भावनाथ किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू का पराठा, जो कि आप नाश्ते में नाश्ता कर सकते हैं और अपने बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। दे मैंने फिलिंग के लिए 200 ग्राम सत्तू, एक चम्मच अजवाइन, एक चम्मच मंगरेला, दो हरी मिर्च कटी हुई, एक इंच अदरक, 8 से 10 कलियां लहसुन की और 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच लेमन जूस और 1/2 फाइन चॉप्ड प्याज, 2 से 3 चम्मच ऑयल। अब मैं फिलिंग तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे अदरक और लहसुन को अच्छे तरीके से क्रश कर ले। क्रश किया हुआ सत्तू में डालने के बाद अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए मैं क्रश करके डाल रही हूँ। इसे अच्छे तरीके से क्रश कर लें। अब सत्तू में मैं इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक बार डाल के मिला दूँगी, अजवाइन, मंगरेला, मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन, सबको एक साथ अच्छे तरीके से मिला देंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को सत्तू में अच्छे तरीके से मिलाएं, ताकि पूरे सत्तू में स्वाद। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, प्याज बाद में ही डालें, पहले सूखा मसाला सब मिला लें फिर प्याज डालें। अब मैं इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ, इसे भी पूरे सत्तू में अच्छे तरीके से मिलाएं और फिर तेल को भी ऐड कर दें इसमें सत्तू के मसाले में। तेल को भी अच्छे तरीके से पूरे सत्तू में मिलाएं, तेल का भी स्वाद पूरे सत्तू में मिक्स हो जाए। इस तरह से अच्छे तरीके से मैश के मिला लें सत्तू में, ऐसे हाथ से ही मिलाएं। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दें, उसे भी मिला दें अच्छे तरीके से पूरे सत्तू में, सत्तू में मिला दें। इसमें हल्का सा पानी ऐड करें, 2 से 4 चम्मच, ताकि हमें फिलिंग भरने में आसानी हो, और ना ही इसमें ज़्यादा पानी डालना है ना ही कम, बस हल्का सा बाइंड होने लायक पानी डालना है। 2 से 4 चम्मच पानी में हो जाएगा उसे। अब पानी को अच्छे तरीके से पूरे सत्तू में मिला दें, पानी बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए हमारा सत्तू अब तैयार है। अब जिसके अब मैं आटा 500 ग्राम आटा में 2-4 चम्मच तेल डाल के इसे अच्छे तरीके से आटा को गूँथ लूँगी। थोड़ा सा तेल डालने से हमारा पराठा थोड़ा अच्छा सॉफ्ट बनेगा, इसीलिए थोड़ा सा तेल ज़रूर डालें। तेल को अच्छे तरीके से आटे में मिला लें। अब मैं पानी डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालें, एक बार पानी नहीं डालें आटा को गूँथने के समय। एक सॉफ्ट अच्छा सॉफ्ट डो तैयार करें। धीरे धीरे करके आटा में पानी डालें और मिलाते जाएं। देखिए हमारा डो तैयार हो गया है, इसे अच्छे तरीके से चारों तरफ से मिला लें। अब इसमें मैं 1 चम्मच तेल मिला के इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। देखिए हमारा डो तैयार है, 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारा आटा का डो बढ़िया तैयार है। अब मैं इसे का पराठा सेकूंगी। देखिए मैंने तावे को गैस पे चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। इधर मैं एक बड़ा आटे का बड़ा सा बॉल बना लूँगी, हाथ में सूखा आटा लगा के इसे एक कटोरी का आकार दे दीजिए और उसमें फिलिंग को अच्छे तरीके से कटोरी जैसा बना ले, जिस तरह से मैं हाथ घुमा घुमा के बना रही हूँ, और उसमें 1 चम्मच सत्तू का फिलिंग भर दें थोड़ा दाब दाब के। देखिए अब इसे इस तरीके से अच्छे तरीके से गोल करके सत्तू को अंदर दाब के बंद करें। अब इसमें सूखा आटा लगा के पराठा को बेलना शुरू करें, हल्के हाथों से पराठे को बेलें, एक बार ज़्यादा ज़ोर से ना बेलें, नहीं तो सत्तू बाहर आ जाएगा। थोड़ा मोटा पराठा बनाएं, देखिए हमारा इतना मोटा। अब इसे तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसे तवे पे डाल देंगे।
देखिए जब पराठा वो हल्का हल्का सीखने लगे तो पराठे को उलट दीजिए। अब इसमें मैं रिफाइंड लगाऊंगी, अच्छे तरीके से चारों तरफ मिला दें। देखिए हमारे पराठे को अच्छे से सेक लें चारों तरफ से दाब दाब के, ताकि कच्चा ना रहे हमारा पराठा। साइड साइड से दाब के दूसरी साइड भी रिफाइन लगा के हम इसे सेक लेंगे। देखिए हमारे पराठे का कलर कितना खूबसूरत आया है। दूसरी तरफ भी हमें अच्छे तरीके से सेक देना है। देखिए हमारा पराठा तैयार है, आइए हम इसे सर्व करते हैं। आप इस पराठे को दही के साथ, अचार के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप अपने घर में बनाएं और इसका स्वाद लें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी रेसिपी कैसी आपको लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।